आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेशर कुकर में सिर्फ 10 से 15 मिनट में टेस्टी मसाला खिचड़ी हम कैसे बना सकते हैं। और ये जो खिचड़ी है ये इतनी ज़्यादा लाजवाब बनती है कि बस इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अपने आप में ही होलसम फूड है, प्रोटीन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा यमी लगती है और बच्चे हो या बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और सच मानिए तो ये रेसिपी आप एक बार ट्राई कर लेंगे ना तो आपको रोज़ बनाने का मन करेगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खिचड़ी। तो दोस्तों एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। स्वागत है आप सभी का माधवीज किचन में और आइए शुरू करते हैं बनाना ये वेजिटेबल मसाला खिचड़ी। तो इसके लिए सबसे पहले हम दाल चावल को धोकर इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कप छोटे दाने वाला चावल लिया है, ये अरवा चावल है, और उसी के बराबर यहाँ पे मैंने मूंग दाल ले लिया है। और दाल चावल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए वॉश कर लिया है मैंने दाल चावल को, ये देखिए, और पानी सारा इसका निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे खिचड़ी में डालने के लिए कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ एक प्याज मैंने स्लाइस करके ले लिया है, एक टमाटर स्लाइस किया हुआ, एक टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन, एक टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, एक आलू जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है, और एक गाजर जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और आधा कप यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर लिया हुआ है। तो आइए अब खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो एक कुकर में मैं डालूंगी यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, और जीरा थोड़ा क्रैकल हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 पिंच हींग। इससे खिचड़ी डाइजेस्टिव भी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और एक तेज़पत्ता मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे तोड़ के, और 2 हरी मिर्च तोड़कर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खिचड़ी में, और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए हल्की आँच पर भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, ये देखिए, और इसको हम धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और ये हल्का सुनहरा कलर का ना हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से प्याज को हल्के आंच पे फ्राई करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये सुनहरा कलर का हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक जो हमने ग्रेट करके रखा था, और साथ में ही हम डाल देंगे टमाटर। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी चीज़ों को मिलाकर, और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि ये जो टमाटर हैं ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स डालेंगे। तो ये देखिए टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आइए इसमें जो बाकी के वेजिटेबल्स हैं हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें आलू, गाजर और मटर जो हमने रखा था उसे डाल दे रही हूँ मैं। आप चाहें तो यहाँ अपनी पसंद के और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, अगर आलू स्किप करना चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह बीन्स, गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए सारी वेजिटेबल्स हमने डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। तो आधा टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर आप अगर ना खाना चाहें तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे चावल और दाल जो हमने वॉश करके अलग रखा था। ये देखिए चावल और दाल को मैंने कुकर में डाल दिया है, और इसे भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे 2-3 मिनट के लिए सब्जियों के साथ इसी तरह से पकाएंगे लो फ्लेम पर, ताकि इसका जितना फ्लेवर है ना सब दाल और चावल में आ जाए। और जब दाल और चावल थोड़े से ड्राई जैसे हो जाएंगे तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट इसको धीमी आँच पर पकाने के बाद चावल थोड़े ड्राई हो गए हैं। तो बस अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी इसमें बिल्कुल हिसाब से डालना है। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल और 1 कप दाल लिया है, मतलब 2 कप चावल दाल हमने लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 7 कप पानी। तो ये देखिए 7 कप पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और
सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब फ्लेम हम कर देंगे हाई और इसमें एक उबाल आने देंगे हम। तो ये देखिए पानी में उबाल आने लगा है, आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गया है। तो बस अब हम कुकर को ढक देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि एक विसल ना आ जाए। तो ये देखिए एक विसल आ गया है, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि इसका प्रेशर पूरा अपने से रिलीज़ ना हो जाए। ये देखिए प्रेशर जब अच्छे से रिलीज़ हो जाए तब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी मसाला खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं चावल और दाल बिल्कुल अच्छे से पके हैं, चावल पूरी तरह से मैश भी नहीं हुआ है और आप इसके दाने भी देख सकते हैं एकदम बिल्कुल परफेक्टली चावल दाल और सब्जियां हमारी पकी हैं। तो ये देखिए बहुत ही यमी हमारी मसाला खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। इसे थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं कटा हुआ हरा धनिया से और बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमारी मसाला खिचड़ी बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, मुझे यही कंसिस्टेंसी पसंद है। और अगर आपको पतली खिचड़ी पसंद है तो आप इसमें एक कप गर्म पानी ऐड कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है तो मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। और तो बस हमारी मसाला खिचड़ी तैयार है सर्व करने के लिए। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खिचड़ी के चार यार, चोखा पापड़ चटनी अचार। तो सर्व कीजिए खिचड़ी को अपनी पसंद की चीज़ों के साथ। मैं खिचड़ी सर्व कर रही हूँ पापड़ चोखा और अचार के साथ। ये देखिए मैंने चोखा बनाया है बैंगन का, ये रोस्ट किए हुए बैंगन का चोखा है, ये खिचड़ी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट मसाला खिचड़ी हमारी बनकर रेडी हुई है, देखने में काफ़ी डिलीशियस और यमी लग रही है। ये देखिए और बस तैयार है हमारी खिचड़ी। बस एक कसर बाकी रह गई है इसमें घी की। खिचड़ी के ऊपर घी ना डालें तो खिचड़ी का टेस्ट नहीं आता, तो इसके ऊपर मैं एक चम्मच घी डाल रही हूँ। ये देखिए तो वाह अब ये खिचड़ी बन गई है एकदम परफेक्ट। थोड़ा सा अचार भी इसके साथ सर्व कर देते हैं। तो बस तैयार है हमारी मसाला खिचड़ी, इसे ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। बहुत ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बनी है खिचड़ी हमारी। तो दोस्तों आई होप ये मसाला खिचड़ी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और जिन व्यूवर ने खिचड़ी की रेसिपी के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था उनको भी ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। तो ट्राई कीजिए और ये रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी एक आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।